हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोल में छुपाना और लेकर आई हूं ये साल के आखिर 8 दिन जो बच गए हैं उनकी टैरो रीडिंग। और हर दिन के लिए एक कार्ड में आपके सामने उसके एनर्जीज रीड करूंगी, बताऊंगी आपको कैसे अपने उन दिनों को आपको प्लान करना है। तो आप ये जानते ही हैं आपको अपना राशिफल कैसे देखना है। आपको अपना राशिफल अपने लग्न कुंडली के लॉर्ड या चंद्र कुंडली के लॉर्ड या नाम राशि के लॉर्ड या फिर वेस्टर्न ज़ोडियक साइन के अकॉर्डिंगली जैसे भी आप रेजोनेट फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, वैसे आपको देखना है। और जो है अब हम शुरू करते हैं, बाकी सारी राशियों के, 9 राशियों के हाल हम बता चुके हैं। अब हमारी बारी है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए ये 8 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, then 30th and 31st, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे रहने वाले हैं। 24th कैसे रहेगी कैप्रिकॉर्न्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग विल रहेंगे, बिल्कुल विल पावर स्ट्रांग रखेंगे। ऑल दो हो सकता है मुझे थोड़ा लो हेल्थ दिख रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बिल्कुल उसके बावजूद भी आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। और मैं आपको ये कहूँगी एनर्जीज हाई हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अपने बॉडी से आप काम मत लीजिएगा, ज़्यादा एक्शन में मत रहिएगा, एक्टिविटीज़ मत करिएगा, अपना रेस्ट ज़रूर करिएगा, एक जगह पर रुक कर आराम करके फिर चीज़ों को अपने प्लान करिएगा और उनको जो है हेल्प ले लीजिएगा दूसरों की, आप खुद ज़्यादा काम मत करिएगा। और थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, थोड़ा हेड स्ट्रांग रहेंगे, थोड़ा दिमाग में गर्मी भी रहने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है गुस्सा भी आएगा और थोड़े कहते हैं ना अड़ जाएंगे, बिल्कुल हिटलर जैसे होते हैं ना, बिल्कुल एनर्जीज अटक जाती हैं कि नहीं मनमानी करना, वो भी हो सकते हैं। तो मनमानी मत करिएगा, चीज़ों को सोच समझ के करिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 25th के लिए अगर हम देखें तो 25th इज़ वेरी नाइस फॉर यू, द स्टार का कार्ड है यानी चमकेंगे आप एक क्रिसमस पे, एक क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार चमकेगा और एक आप स्टार की तरह चमकेंगे, क्या बात है। तो 25th इज़ वेरी नाइस फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वाले। और बिल्कुल अच्छी अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छा अच्छा सोच रखिए, जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबके इमोशंस बैलेंस करेंगे, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, सब में खुशियां आप बांटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्टार की तरह चमकेंगे, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। मुझे तो ऐसा भी लिख रहा है कि कहीं पर रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और नाम यश सब कुछ मिलेगा, जो करेंगे बहुत बेस्ट रहेगा, हेल्थ वगैरह भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एनर्जीज भी लिख रही हैं, जैसे आप अंदर सोचेंगे वैसे ही बाकी लोगों को दिखाएंगे, यानी यू विल बी क्वाइट ट्रांसपेरेंट, किसी के साथ कोई दुश्मनी गिला शिकवा कुछ नहीं। अब हम देखते हैं 26th आपका कैसा रहेगा। 26th को तो मुझे बहुत सारे प्लानिंग करते दिख रहे हैं आपको कैप्रिकॉर्न्स, आप काफ़ी सोच विचार में रहेंगे, प्लानिंग्स करते रहेंगे और एक्शन में नहीं है लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा जो है काम करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क भी होगा, बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी जवाब देंगे और कहते हैं ना डेस्क पे बहुत सारे काम होंगे आपके, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम होंगे ऐसा दिखता है। और जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहेगी, सोच विचार चलते रहेंगे, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए पर लिखिएगा ज़रूर, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी अच्छी आपको आइडियाज़ आएँ, सुझाव आएँ और वो आप सोचें कि अच्छा ठीक है हम कर लेंगे और फिर वो आपके माइंड से स्किप हो जाएँ, तो उनको लिखते जाइएगा। एक्सक्यूज़ मी, 24, 25, 26, 27th को देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। 27th को थोड़े मेरे को संडे को थोड़े इमोशनल दिख रहे हैं, क्या बात है कैप्रिकॉर्न्स, कहीं दिल कहते ना गदगद होगा, इमोशंस भरे रहेंगे, बहुत अच्छा सा महसूस होगा, एक बड़ी गुड गुड फीलिंग होती है ना, फीलिंग गुड वो वैसे दिख रहा है। केयरिंग रहेंगे लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ममता सी भी रहेगी और बहुत कहते ना बहुत लो प्रोफाइल रखेंगे यानी डाउन टू अर्थ रहेंगे, बहुत लोगों के बीच में आपका एक रुतबा बढ़ेगा, लोग बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखते हैं 28th क्या सुंदर कार्ड आया है, 4 of Wands यानी कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो आपका कंप्लीट होगा। 28th भी आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है और काफ़ी ब्राइट दिखता है, हो सकता है किसी पार्टी में भी जाना हो, किसी शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में भी मुझे जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई जो है कोई गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं या कुछ कहते हैं ना आपका एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, अगर कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है डंका बजेगा और बहुत रिस्पेक्ट और सेलिब्रेशन का टाइम मुझे दिखता है।
अब अगर 29th को देखें, 29th को 29th को आप अपने मन से सोचे हुए कि आप जितनी चीज़ें हो गई ना पीछे सबको ख़त्म, अब कुछ नया करने का मन करेगा। अब 29th को आपको रहेगा कि बस पीछे सब कुछ भूल जाओ, पीछे जो हो गया पास्ट हैज़ गॉन, अब हमें आगे देखना है। तो ये कह रहा है 10 of swords कह रहा है कि जो गया उसको बीतने दो, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें आगे की सोचनी है। बट हाँ, पीठ के दर्द के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैकएक हो सकती है, तो हेल्थ का अपना पूरा ध्यान रखिएगा, रेस्ट पूरी पूरी तरह से करिएगा, बैठेंगे तो पीछे सपोर्ट लेके बैठिएगा, ठीक है। और बाकी पैसे अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, पूरे टाइम पे मुझे ऐसे फाइनेंशियल नहीं दिखा, मैंने मोस्टली देखा मोस्टली रीडिंग्स में फाइनेंसिस मुझे नहीं दिखे, इतना गेंस नहीं दिखे, हाँ काम करते दिखे और दूसरी तरह की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखी। अब 30th को देखें तो 30th को होगा कि चलो 29th को तो आपने एंड कर दिया कि भैया जो हो गया ख़त्म हो गया, अब 30th को लगेगा कि भैया अब नई विक्ट्रीज हमें कायम करनी है, नए चैलेंजेस लेने हैं, नई चीज़ें करनी है और सबको धराशायी करना है, मतलब कि अपना डंका बजा के ही रहना है, अपने आप को प्रूव करने का एक जज्बा आपका रहेगा और विक्ट्री मिलेगी भी और बड़े खुश भी होंगे आपके, ओ मैंने ये कर लिया, ओ मैंने वो कर लिया, आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दैट, वो आप उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, अंदर ही अंदर मंदी मंद मुस्कुराएंगे, लेकिन लोगों के सामने हो सकता है ना शो करें। 31st को क्या होगा, 31st इज ग्रेट मैजिशियन, क्या बात है कैप्रिकॉन्स, बिल्कुल सारी आपको लगेगा ये साल में जाने नहीं देना है मैंने, ये मेरी मुट्ठी में है, अब मैं शुरू से ही पहले दिन से ही ऐसे रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ कि सारी एनर्जीज मेरे अकॉर्डिंगली ही चलेंगी, जो मैंने चाहा वही होगा। तो काफ़ी जो ये हमारे कैप्रिकॉन्स हैं, सोचिए ऐसे ज़रूर, गुरूर मत करिएगा, ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी मत होइएगा, थोड़े मैनिपुलेटिव भी मुझे दिख रहे हैं, अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे वो मत करिएगा, कई बार वो चीज़ें ना बैड कर्मास में काउंट हो जाती हैं जो कि आपके लिए सही रिजल्ट इन द लॉन्ग रन नहीं देती हैं। और बस थोड़ा लो प्रोफाइल रहेंगे और खुश रहिए, अपनी प्लान करिए, बस ये करिए, सब भला चंगा रहेगा। अब हम देखते हैं हमारी अक्वेरियस कुंभ राशि के लिए निकालते हैं कि ये 8 दिन कैसे रहने वाले हैं। बस फटाफट, अगर आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और ये हमने आपके लिए कार्ड्स जो है स्प्रेड कर दिए। अब देखते हैं 24th, 25th, अब हम इसको 28th, 29th में ही रखेंगे, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th निकाल लिया था हमने, 30 and 31। हमें कार्ड्स को ऑर्डर देना होता है, उनको उनसे आंसर्स मांगने होते हैं, तो हम जो बोल देते हैं फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अक्वेरियस के लिए 24th कैसे रहने वाला है। तो आपके लिए क्या बात है, कोई लीगल काम है तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, 24th को कुछ लीगल काम आपके अटके रहेंगे, उनकी तरफ आपका सारा का सारा दिन निकलने वाला है, ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, ITR भरना है, इनकम टैक्स भरना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो नहीं कंप्लीट किया पेमेंट, ये पेपर चाहिए, तो जो भी है लीगल कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं, लीगल काम दिखते हैं, कहीं चालान ना हो जाए, गाड़ी आराम से ड्राइव करिएगा। तो अक्वेरियंस आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने पेपर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से जो असेंबल कर लीजिए, अपनी फाइल्स वगैरह का ध्यान कर लीजिए। और ये 24th को आप इसमें बिजी रहने वाले हैं, 25th को कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है, कोई फैमिली मेम्बर मिल सकता है, कोई पुराने दोस्त मिल सकते हैं, कोई पुराना वक्त याद आ सकता है, कोई सफाई करते करते कोई पुरानी पिक्चर ही मिल सकती है, तो पुरानी यादें ताज़ा होंगी, तो बहुत इमोशनल टाइम है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बीत सकता है और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है जो कि आप 25th को काफ़ी इंजॉय करेंगे। 26th देखें एक्वेरियंस आपके लिए, 26th बहुत सुंदर है आपके लिए आया है, नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं, काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, किसी की इंतज़ार रहने वाली है कि वो आ जाए और आपसे मिल जाए, किसी की इंतज़ार, संदेशे की इंतज़ार, आपका दिल किसी के लिए तड़पेगा तो वो भी मुझे दिखता है। तो ठीक है, कई बार तड़पन में भी बहुत मज़ा होता है बिल्कुल, और क्योंकि पहले भी आपका कप का कार्ड आया, फिर नेक्स्ट भी कप का कार्ड आया, तो कोई रिलेशनशिप भी मुझे दिखता है या अपने नियर एंड डियर, अपने बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। 27 देखें तो इट्स अ वेरी गुड डे, संडे का दिन बहुत अच्छा है, जो करेंगे
विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अच्छी खबर मिलेगी, आप अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे और फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 28th को देखें तो 28th लवर्स का कार्ड आ गया, कोई ना कोई मुलाकात हो सकती है अपने जो पुराने टाइम से आप चल रहा था ना आपके कार्ड 25th को 26th को, तो वही 27th को जो है शादी भी फिक्स होके हो सकती है, कोई एंगेजमेंट भी हो सकती है, तो वो खबर भी आ सकती है। और उसके बाद 28th को आपके लिए कार्ड आ गया द लवर्स का कार्ड, तो ये दिखाता है कि यस समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है इस हफ्ते, कुछ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड आपका तवज्जो रहने वाला है। और 29th को देखा तो आपके लिए आ गया नाइन ऑफ वॉन्स। ये कहता है कि यस जो आप सोच रहे हैं ना वो होगा पूरा, लेकिन आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे तो हम करेंगे, वो वैसा करेंगे तो हम करेंगे, तो ज़्यादा निर्भर मत होइए, ज़्यादा डिपेंडेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी में आपके काम अटक रहे हैं। यहाँ मैंने सारा देखा कि आप किसी की राह ही देखते चले जा रहे हैं, 29th को भी राह देख रहे हैं, तो राह मत देखिए, बस ज़िंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, जो जैसे आ रहा है उसको बस वैसे लेते जाइए और चलते जाइए। आगे देखते हैं 30th के लिए, तो 30th के लिए काफ़ी कंफ्यूज दिख रही है, आपको लग रहा है अब क्या होगा, साल ख़त्म हो रहा है, अब हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, कन्फ्यूजन वाला स्टेट दिख रहा है, सोच विचार वाला दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ आपको डिसीजंस लेने हैं और डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन ले पाएंगे अगर आप कार्ड को पास में से देखें तो ये देखिए रास्ता सामने खाली है। वैसे अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है कि स्वॉर्ड्स हैं और आंखें बंद हैं और पूरा शरीर बंद है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आप खुद ही इन बेड़ियों में से निकल सकते हैं ना, पैर आपके देखें यहाँ पे खुले हुए हैं, आप छोटे छोटे कदमों से आप बाहर निकल के निकल सकते हैं, पर आप निकलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और 31st को कंप्लीट द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आप 31st तक अपना डिसीजन ले चुके होंगे, यानी कि आपकी एक अच्छी शुरुआत शुरू हो चुकी होगी, ये जो जितना 2020 का जितना भी होना था ना, जितने भी अच्छा जो भी आपको ऐसा टाइम जो आपको कसमसा के गया हो, थोड़ा सा आपको जिस स्ट्रेस दिया हो, अबाउट टू ओपन, क्योंकि लास्ट में आपको 31st को वर्ल्ड का कार्ड दिख गया है, यानी कि अब वर्ल्ड जितना कार्मिक साइकिल थी वो आपकी ख़त्म हो गई, जितने भी आपके थोड़े ख़राब कर्मा थे, बैड कर्मास थे, नेगेटिव कर्मास थे, वो एंड हो गए हैं और नई शुरुआत हो गई है, कार्मिक साइकिल वो ख़त्म होके अब 2021 में एक आपको अपनी अच्छी शुरुआत करनी है, कह लीजिए फाइनेंशियली, करियर, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, फैमिली, सब कुछ, हेल्थ, सब कुछ, वो कार्मिक साइकिल आपकी 31st को ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 31st को ख़त्म हो रही है इसलिए ये 8 दिन थोड़े से कभी डिस्टर्ब्ड हैं, कभी इमोशनल हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है ना, जब साइकिल एंड होने वाली होती है तो आपने कभी देखा है जब व्हाट्सअप में वो वीडियो अपलोड करो तो गोल 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 घूमता है, फिर एंड में धीरे से जो वो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, पूरा सर्कल होने में कितना टाइम लेता है, बस वही वाली सिचुएशन है, ये दिन भी निकल जाएंगे। और चलिए अब हमारी आ गई है लास्ट राशि की बारी, पाइसेंस के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली हैं उनके लिए अब इन दिनों। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट तो बनता ही है, देखिए आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी हिम्मत बढ़ेगी, उतना मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस पोस्ट करूँगी, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि कोई अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम पाइसेस के लिए देखते हैं ये 8 दिन उनके लिए क्या लेके आए हैं मीन राशि वालों के लिए, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th and 31st। चलिए देखते हैं पाइसेंस के लिए 24th कैसा रहेगा, काफ़ी रिजर्व रहने वाले हैं, अपने आप को ना कुकून में करके, अपने आप को रिजर्व करके रहने वाले हैं, अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा बात करने का मन नहीं होगा, थोड़ी एनर्जीज लो सी दिख रही हैं, पैसों का ध्यान रखेंगे और रखना भी चाहिए, पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करना फालतू, अभी कहीं नई जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, कोई नए खर्चे नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं खरीदना, पैसे को जितना बचा के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24th को रिजर्व भी रहेंगी, यानी कि आप अपने में लिए दिए रहेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है अपने आप को थोड़ा सा कुकून में करके रखें, और जितना कम बोले ना उतनी एनर्जीज हमारी बचती हैं, तो कम से कम बोलेंगे, तो 24th को काफ़ी रिजर्व दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, ओम शांति ओम।
बहुत अच्छी बात है, चैंटिंग्स करिए इस दिन, मेडिटेशन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। 25th को देखें, 25th को कोई रिस्क नहीं लेना। 24th को जैसे चुपचाप से आप अपने आप को रिजर्व करके बैठे हैं, 25th को भी उसी एनर्जी को रखिएगा, क्योंकि कोई रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिस जो कि आपके लिए कुछ गड़बड़ कर दे, आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दे या और चैलेंजेस आपके लिए पैदा कर दे। तो इसलिए कोई नया काम नहीं करना, किसी से कोई नया वेंचर नहीं करना, कहीं पर नया इन्वेस्ट नहीं करना। 26 के लिए देखें तो फिर पॉज का कार्ड है, अभी तक पाइसेंस का सब पॉज का आ रहा है, तो मतलब कि कहीं से अभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती, हर चीज़ में रुकावट दिख रही है, यानी एनर्जीज रुकी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, एक उदासी सी नज़र आ रही है मुझे 26 तारीख को भी, और सोचते रहेंगे कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा, आप जो है अपने आप को खुश रखिए थोड़ा सा, और जैसे चीज़ें एनर्जीज आ रही हैं, जैसे दिन बीत रहा है उनको एक्सेप्ट करिए और चलते चलिए, चलते चलिए। कोशिश कहते हैं ना, जैसे इधर से सुनना इधर से निकालना, सिचुएशंस को भी इसी तरह से आप डील करिए, इधर से हुआ और इधर से निकाल दीजिए। तो थोड़ा सा पॉज का दिख रहा है, क्या बात है। 27th को भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, 27th को भी कन्फ्यूजन दिख रही है, मन नहीं करेगा किसी से बात करेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इमोशंस जो है वो इतने ज़्यादा हावी हो कि आपको इतना स्ट्रेस दे जाएंगे कि अब लगेगा कि बस बहुत हो गया, बस अब कुछ नहीं, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी की नहीं कहनी, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल कहते हैं ना सबको छोड़ना चाह रहे हैं और एक अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, एक प्योर सोल हैं आप, लेकिन कहते ना एक रिफाइन करना चाह रहे हैं कि जितना भी हो चुका ना, जितना भी सह लिया, अब वो सब कहते ना एक पेज के ऊपर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो पेज पे वो पेंसिल मार्क्स होते हैं, अब उसको रब करना है, जो कुछ हो चुका उसको हटा के कुछ और लिखना है, तो थोड़े थोड़े मार्क्स रह जाते हैं, तो वो वाला सीन है, आप वो भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है आप कोशिश करिए, अपने आप को पॉजिटिव करिए और धीरे 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 वो भी मिट जाएंगे, फिर जल्दी से नया पेज ला के उसके अंदर नई नई चीज़ें लिखिएगा। अब हम देखते हैं 28th को आपका थोड़ा टाइम ज़रा मेरे को रिलैक्स दिख रहा है, फॉर अ फर्टाइल लग रहा है, हाँ लो एनर्जीज है लेकिन फिर भी मन थोड़ा संतुष्ट रहेगा, थोड़ा खुश रहेंगे, थोड़ा होप मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ होप, चलो अब आगे का देखते हैं, आगे सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, जो हो गया हो गया, वो एनर्जीज गई, अब आगे की तरफ सोचेंगे और काफ़ी फर्टाइल रहने वाला है, और बस रेस्ट करेंगे, रेस्ट करना भी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए पीजिए और इन्जॉय करिए, थोड़ा लग्जरीज में भी ध्यान रहेगा, हो सकता है पार्लर सलून जाएं अपने तरफ, अगर पार्लर सलून ना भी जाएं तो घर में रह के भी अपनी तरफ थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, तो इस तरह का दिखता है। और 29th को देखें तो 29th को लगेगा कि भाई अब थोड़ा पैसों के लिए सोचना चाहिए, प्लानिंग करेंगे 29th को कि अब पैसों को कैसे खर्च करना है, कैसे नहीं खर्च करना है, घर का खर्च कैसे करना है, ऑफिस का खर्च कैसे करना है, बिजनेस में कैसे लगाना है, यानी कि मनी रिलेटेड आपके थॉट्स रहेंगे, मटेरियलिस्टिक रहेंगे 29th को। लव इमोशंस की तरफ इतना ध्यान नहीं रहेगा, बट हाँ ये रहेगा कि अब आगे हमें क्या प्लानिंग करना है, उस चीज़ की तरफ आपका सारी एनर्जी रहेगी। फिर 30th को देखें, 30th को आपको हो सकता है आपका मन करेगा कि चलो भी पैसे वैसे अब कुछ बच रहे हैं तो लेट्स हैव अ ब्रेक, कुछ ब्रेक लेते हैं, कहीं होकर आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, बहुत एनर्जीज हो गई हैं जो कि डिस्टर्ब करे हुए हैं, तो अब कुछ अच्छी एनर्जीज बटोरने के लिए, कुछ रिफ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के लिए हो सकता है आपकी जर्नीज हो जाए, कहीं जाना आना हो जाए, कहीं पे मेरे को चेंज नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं विजिट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कहीं आप जाएंगे 30th को। 31st को फिर वही बच्चों जैसे कोमल से हो जाएंगे पाइसेंस, बिल्कुल वो इमोशनल से रहेंगे, शायद 2020 ने जो भी आपके साथ रहा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा शायद, या बहुत ख़राब भी नहीं रहा, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, पाइसेंस मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा बच्चों जैसे एनर्जी रहेगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं अब क्या होगा, लाइट चली गई अब क्या होगा, मेरा खिलौना टूट गया अब क्या होगा, तो इस तरह से चॉकलेट खत्म हो गई अब क्या होगा, छोटी छोटी बात पे वो रोने भी लगते हैं कि ओ मेरी चॉकलेट किसी ने खा ली या चॉकलेट खत्म हो गई, तो वैसा सा सिचुएशन मुझे दिख रहा है पाइसेंस के लिए थ्रू आउट दिख रहा है। बट कहते हैं कि हर रात का सवेरा होता है और सुबह आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी,
बस उस सुबह की इंतजार करिए, बहुत अच्छा रहने वाला है आपका आने वाला समय। और अच्छे से प्लान करिए, अच्छे से न्यू ईयर को जो है सेलिब्रेट करिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।